23 मई 1973 की सुबह लखनऊ का मिजाज हमेशा की तरह कुछ ठहराव लिए हुए था, लेकिन शहर के बीचों बीच एक कॉलेज में गहमा गहमी चल रही थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस रोज एग्जाम चल रहे थे। अपनी डेस्क पर चेहरा गड़ाए छात्र और हॉल में चहलकदमी करते शिक्षक, ये सब चल ही रहा था कि अचानक एग्जाम हॉल में छात्रों की एक भीड़ एंटर हुई और नारे लगाने लगी। एग्जाम दे रहे छात्र कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी कॉपियां छीनी जा चुकी थी। कुछ छात्रों ने प्रतिरोध किया तो भीड़ में से एक बोला, चलो एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। हॉल में मौजूद शिक्षकों को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस से धुआं निकलता दिखा। सब दौड़कर बाहर पहुंचे तो पता चला कि रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी ने आग लगा दी। टैगोर लाइब्रेरी में भी किताबें आग के हवाले की जा रही थी। छात्र ये सब क्यों कर रहे थे इसका पता अभी तक नहीं लग पाया था। तभी कुछ छात्र हॉस्टल की तरफ से दौड़ते हुए आए। उन्होंने जो बताया वो और भी हैरतअंगेज था। आग लगाने वाले छात्र नहीं थे बल्कि ये सब PSC यानी उत्तर प्रदेश प्रांतीय पुलिस बल के जवान कर रहे थे। क्यों? इसी से जुड़ा है हमारा आज का किस्सा। जब 1973 में यूपी में पुलिस ने विद्रोह कर दिया और आर्मी बुलानी पड़ी, आर्मी और पुलिस के बीच लड़ाई हुई और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों हुआ था ये सब, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। किस्से की शुरुआत होती है 1937 से। उत्तर प्रदेश को तब यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1937 में एक ब्रिटिश अफसर कर्नल थॉम्सन ने यूनाइटेड प्रोविंस में एक नए सशस्त्र बल की नींव रखी थी जो मिलिट्री पुलिस से अलग थी। इस बल की मांग यूपी के जमींदारों की तरफ से की गई थी जो अपने लिए विशेष सुरक्षा चाहते थे। नतीजन सरकार ने एक एक्ट पास कर प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी यानी PSC का गठन किया। 1937 में कर्नल थॉम्सन ने PSC की दो कंपनियों से PSC की शुरुआत की। इन कंपनियों में ब्रिटिश इंडिया आर्मी के एक पूर्व रेजिमेंट ब्राह्मण रेजिमेंट के सैनिक शामिल किए गए। खास बात यह थी कि PSC के जवानों का भत्ता जमींदारों द्वारा मुहैया कराया जाता था। 1937 से शुरुआत होकर 1942 तक PSC की कई बटालियन खड़ी की गई जिनमें अधिकतर भूमिहार और राजपूतों को रिक्रूट किया गया था। इन बटालियंस का गठन सेना की तर्ज पर किया गया लेकिन इनका काम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का था, खासकर ऐसे मसलों में जो जमींदारों और उच्च वर्ग से जुड़े हुए होते। मसलन VIP लोगों की सुरक्षा में PSC के जवानों को तैनात किया जाता था। आजादी के बाद भी PSC बरकरार रही और 1956 में इसका नाम प्रादेशिक आर्म प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबली कर दिया गया और 1962 से 1973 के बीच इसमें 17 नई बटालियन जोड़ी गई। इनका काम तब मूल रूप से दंगा रोकने और VIP की सुरक्षा पहुंचाना हुआ करता था। शुरुआत में इस बल को यूपी पुलिस के मुकाबले बेहतर सुविधाएं मिलती थी लेकिन 1972 आते आते PSC में जवानों की संख्या काफी ज्यादा होने लगी और काम का बोझ भी बढ़ता गया, लिहाजा सुविधाओं में गिरावट आई और जवानों में अंदर ही अंदर एक असंतोष पनपने लगा। PSC के जवानों की शिकायत क्या थी? जवानों का कहना था कि उनसे नौकरों वाले काम कराए जाते हैं, सीनियर अफसर उनसे अपने कपड़े और बर्तन धुलवाते हैं, उन्हें यूनियन बनाने की आज़ादी भी नहीं थी। इसके अलावा नकाई सुविधाओं और कम तनख्वाह को लेकर भी जवान शिकायत कर रहे थे। इन सब कारणों से असंतोष इतना बढ़ा कि PSC में अराजकता दिखने लगी। खबरें आई कि PSC के दस्ते ऑर्डर की नाफरमानी कर रहे हैं। इस बीच 1973 में हुई एक घटना ने PSC का उपद्रव खोल कर सामने ला दिया। मई महीने में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाली थी। 1971 बांग्लादेश युद्ध से इंदिरा का जो भौकाल बना था वह अब कुंद होने लगा था। देश में महंगाई बढ़ रही थी, लोगों में केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा था और इस गुस्से की आंच यूपी की कांग्रेस सरकार तक आ रही थी। कमलापति त्रिपाठी तब यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इंदिरा के दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करवाए। इस काम का जिम्मा PSC को दिया गया लेकिन PSC ने तैनाती का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस नाफरमानी से एक बड़े विद्रोह की शुरुआत हुई जो जल्द ही पूरे प्रदेश में फैल गई। राजधानी लखनऊ में इसका खास असर देखने को मिला। वहीं यूनिवर्सिटी के छात्र PSC के समर्थन में खड़े हो गए। पूरे कैंपस में आगजनी होने लगी। मामला इतना बड़ा कि आखिरकार सरकार को आर्मी बुलानी पड़ी। रिटायर्ड आर्म कर्नल मेहरोत्रा तब लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र हुआ करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए वो बताते हैं, मैं महानगर में PSC बटालियन के क्वार्टर्स के पास रहता था। शाम 5 बजे के आसपास वहां आर्मी पहुंच गई।
तूफानी नाले के पास आर्मी के जवानों ने पोजीशन ली। तब तक अफवाह फैल गई थी कि पीएसी के जवान आर्मरी लूटने की योजना बना रहे हैं। कुछ ही देर में वहां गोलियां चलने लगी और रात भर चलती रही। अगली सुबह हमने सुना कि पीएसी के जवानों को आर्मी की गाड़ियों में डालकर ले जाया जा रहा था। उधर यूनिवर्सिटी में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। शाम 7 बजे तक यूनिवर्सिटी में कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई। पुलिस को मौके पर भेजा गया, लेकिन वो भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। पुलिस अफसरों को छात्र द्वारा कैंपस से खदेड़ दिया गया। इसके बाद आर्मी को यूनिवर्सिटी भेजा गया। आर्मी ने तार बाड़ लगाकर कैंपस में घेरा लगाया और यूनिवर्सिटी को खाली करा दिया गया। हॉस्टल में जो छात्र रह रहे थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। अगले रोज यूनिवर्सिटी की अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी कर दी गई। अतुल अंजन जो आगे जाकर सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी बने, तब लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र नेता हुआ करते थे। अतुल बताते हैं कि छात्रों की तरफ से उन्होंने इस विद्रोह को लीड किया था। उनके और पीएसी जवानों के बीच बातचीत भी हुई थी। पीएसी को लग रहा था कि अगर वो छात्रों से हाथ मिला ले तो सरकार को घुटनों पर ला देंगे। इस बाबत पीएसी के विद्रोही जवानों और छात्र नेताओं के बीच कई मीटिंग हुई, फंड इकट्ठा किए गए और पैम्पलेट भी बंटवाए गए। इसके बाद 22 मई की रात छात्रावासों से विद्रोह की शुरुआत हुई। अतुल बताते हैं कि उनका प्लान ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस को कब्जे में लेने का था। इसके बाद वो लोग रेडियो से पीएसी के साथ होने वाले अन्याय की बात ब्रॉडकास्ट करते। तब छात्र रहे आशीष शुक्ला इस घटना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हैं। आशीष बताते हैं कि लाइब्रेरी और बाकी जगह हुई आगजनी और तोड़फोड़ के बाद एग्जाम की आंसर कॉपीज गायब हो गई थी। ऐसे में एक छात्र को इतिहास के एग्जाम की कॉपी रास्ते में पड़ी हुई मिली और उसने उसे बतौर यादगार अपने पास रख लिया। अंत में क्या हुआ? इस मामले में सरकार को आर्मी बुलानी पड़ी थी और आर्मी और पीएसी के बीच संघर्ष में पीएसी के 35 जवान मारे गए। वहीं लगभग 2 दर्जन आर्मी के जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। 5 दिन चले संघर्ष के बाद आर्मी सिचुएशन पर काबू पाने में सफल हुई। तब तक इस घटना की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। इस मामले में तब सरकार की काफी किरकिरी हुई। विद्रोह के खात्मे के बाद सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए। 500 पीएसी जवानों को निष्कासित कर दिया गया और 795 जवानों पर मुकदमा चलाया गया। इसके बावजूद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 1973 में हेमवंती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। सीएम बनते ही उन्होंने पीएसी की कई मांगों को मंजूर कर लिया। कहानी यहीं खत्म हुई। इस घटना का असर आगे यूपी की राजनीति में भी दिखा। साल 1978 में अलीगढ़ में सांप्रदायिक दंगे हुए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी 20 पन्नों की रिपोर्ट में दंगों के दौरान पीएसी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस प्रकार साल 1987 में मेरठ में हाशिमपुरा नरसंहार की घटना हुई। इस दौरान भी पीएसी पर सांप्रदायिक रूप से लोगों को निशाना बनाने के आरोप लगे, लेकिन इन तमाम घटनाओं में सरकार पीएसी पर कोई एक्शन लेने से बचती रही। हाशिमपुरा की घटना के वक्त विभूति नारायण आईपीएस अधिकारी की हैसियत से एक वरिष्ठ पद पर तैनात थे। 2015 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि तात्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से कोई कार्रवाई नहीं की। राय के अनुसार हाशिमपुरा की घटना के बाद उन्होंने एक मीटिंग में ये बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझसे कहा गया कि अगर कार्रवाई की गई तो पीएसी बल विद्रोह कर देगा। तब मैंने कहा था कि अगर पीएसी बगावत करती है तो उससे निपटने के लिए सेना बुलाई जाएगी, क्योंकि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये न्याय के लिए खतरा होगा। उसके 24 घंटे के अंदर ही ये केस मेरे हाथों से ले लिया गया और सीआईडी को सुपुर्द कर दिया गया। हाशिमपुरा मामले में साल 2018 में जाकर पीएसी के 16 लोगों को सजा सुनाई गई। हाशिमपुरा की घटना अपने आप में एक लंबी कहानी है, इस पर कभी आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके लिए ये तारीख का किस्सा लिखा मेरे साथी कमल ने। देखते रहिए दिल्ली टॉक। शुक्रिया।